फैसले कर रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब आप एक बयानिया बड़ा डेवलप किया आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन का, रिजीम चेंज ऑपरेशन आपको लगता है कि जो आपकी नज़र में इंपोर्टेड हुकूमत है उनका यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत होना विदाउट इंटरनल फैसिलिटेशन हो सकता था, पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आप अगर चार बयान हैं, हमने टीवी अपने प्रोग्राम्स में भी चलाए हुए अपने जलसों में सर, इनके चार मेन खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर और मरियम, ये चारों ये कह रहे हैं कि जनाब कभी भी एक अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती जब मेरे शो पे कह के गए थे जब तक एस्टेब्लिशमेंट, जब तक एस्टेब्लिशमेंट आपकी बैक पे ना हो, तो वो तो 100% के इन्होंने फैसिलिटेट किया। तो आप इनडायरेक्टली किसको फिर मीर जाफर मीर सादिक कहते थे जब फैसिलिटेशन की बात होती है, तो फिर तो क्लियर इसको कर दें आज। देखिए जी, नहीं क्लियर तो पहले ये हो जाए कि जिसने भी ये किया है, जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक है सारे, यानी जिन जिन लोगों ने ये रिजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। वो कैसे की कि 7 महीने के अंदर आज जरा पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, नेगेटिव जा रहे हैं। आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, किसी इन्वेस्टर से पूछ लें, किसी किसान से पूछ लें कि ज़राअत का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल है, बिजनेस का क्या हाल है, आप कोई बाहर की जो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, मूडीज हैं, फिच हैं, उनकी रेटिंग्स देख लें कि पाकिस्तान की वो किधर रेट कर रहे हैं। तो हर तरह 7 महीने के अंदर यानी दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, जो अब डिफॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं और डिफॉल्ट का मतलब मैं सिर्फ अपने मेरी कौम को समझना चाहिए कि डिफॉल्ट का मतलब सबसे बड़ा मसला होना है कि हमारा रुपया गिर जाएगा और हमारा रुपया किधर रुकता है कोई नहीं कह सकता।